स्टूडेंट्स, आज बेटा हम आपको 13.2 का एक ऐसा क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो फिजिक्स में पूछा जाता है और मैथमेटिक्स में पूछा जाता है। उस क्वेश्चन का नाम है डिफरेंशिएट करिए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को किस तरह से करना है देखिए ज़रा। सो देखिए इसमें बेटा, सबसे पहले ये हमारी एक्सरसाइज 13.2 ही है। जैसे हमारे पास फंक्शन है कॉस ऑफ एक्स, जिसको आप कहते हो, ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन है। तो आपने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कहना है। देखो बेटा, हमारे पास एफ एक्स तो है, हमारे पास ये तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर आप लोगों को क्या करवाया, देखिए, सो देयरफॉर अब यहाँ पर हम करेंगे एफ डैश एक्स वैल्यू पुट करो तो आएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। बेटा यहाँ पे वैल्यू अगर वन पुट करोगे वन आ जाएगा, टू पुट करोगे टू आ जाएगा, थ्री करोगे थ्री आ जाएगा, और अगर एक्स प्लस एच पुट करोगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन कितना आ जाएगा एच। बेटा एक फार्मूला आपने याद रखना है बच्चे, वो फार्मूला है कॉस ए माइनस कॉस बी का, टू साइन ए प्लस बी बाई टू एंड साइन ए माइनस बी बाई टू, लिख नहीं पाया, टू साइन ए प्लस बी बाई टू एंड साइन ए माइनस बी बाई टू। चलो लगाओ फार्मूला, ये आएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस टू साइन माइनस टू, ठीक है, फार्मूला इंप्लीमेंट करने लगाओ, साइन ए प्लस बी बाई टू एक्स प्लस एक्स बाई टू एंड साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू, डिवाइड में क्या है एच माइनस टू, तो मैं बाहर लिखूंगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ टू एक्स बाई टू प्लस एच बाई टू इंटू साइन, ये कैंसिलेशन एच बाई टू, नीचे कितना आ गया एच। बेटा ये कैंसिलेशन, हमारे पास जो वैल्यू पहुंची वो क्या पहुंची यहाँ पे, माइनस टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, है ना, साइन एच बाई टू, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप क्या करो, h है ना हमारे पास, 2 से करो डिवाइड, 2 से करो मल्टीप्लाई, ये 2 कैंसिल, ये क्यों बनाया ताकि h बाई टू एच बाई टू एच बाई टू सारी जगह h बाई टू है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे 2 टू से डिवाइड, माइनस लिमिट h बाई टू अप्रोच टू जीरो चला जाएगा साइन x प्लस एच बाई टू एंड साइन h बाई टू एच बाई टू, ठीक है। तो ये साइन थीटा बाई थीटा बन गया, ये तो 1 हो गया, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या चल रहा है, हमारा एफ डैश एक्स ही चल रहा है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लीजिए ऑन राइट हैंड साइड, तो आ जाएगा, अप्लाई करिए लिमिट वी गेट, जैसे करोगे तो ये आएगा साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस जीरो इंटू वन। तो बेटा देखो, ये मैथमेटिक्स के तरीके से हमने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया, तो ये भी डेफिनेशन क्या आई, साइन का डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन ही होता है। तो देखिए कैसे किया, सबसे पहले हमें ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, लिमिट एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से है, ठीक है, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स वाई एच। तो हमने यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स प्लस एच पर करेंगे तो एक्स प्लस एच आ जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन एच, तो माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू एंड साइन ए माइनस बी बाई टू, तो यहाँ पे प्लस करके यहाँ तक वैल्यूज करके जब यहाँ तक पहुँचे तो मुझे एच बाई टू क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि ये एंगल सेम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला है ना भाई, ये देखिए ये फार्मूला है बेटा, ये याद रखना है कि लिमिट अगर x अप्रोच टू जीरो करता है तो साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, तो इस फार्मूले को हमने इम्प्लीमेंट किया। तो जब हमने इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ तक पहुँचे तो h बाई टू से डिवाइड, टू से डिवाइड दोनों साइड किया, जीरो बाई टू जीरो ही होगा, तो h बाई टू अप्रोचेज टू जीरो आ गया, माइनस तो बाहर था, ये हमने यहाँ पे भी एक थ्योरी याद रखना इम्प्लीमेंट की है, h नीचे था तो टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि ये दोनों सेम हो जाएं, ये एच बाई टू और एच बाई टू सेम हो जाए, टू टू कैंसिलेशन होगी तो माइनस लिमिट एस साइन ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू साइन ऑफ एच बाई टू आ गया, तो लिमिट अप्लाई की तो साइन थीटा बाई थीटा वन हो गया, क्योंकि एच बाई टू अप्रोसेस टू जीरो है तो ये एच बाई टू जीरो को चला जाएगा, तो माइनस साइन एक्स प्लस क्या आ गया जीरो। तो आपने क्या देखा, डिफ्रेंशिएशन जो होती है
किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन की अगर हमने की थी वो कॉस ही है, और जो कॉस की होती है वो माइनस ऑफ साइन ही होती है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को फिजिक्स में भी आ सकता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालिए, आपको मैथमेटिक्स में भी आ सकता है। तो हमने आप लोगों को दोनों तरीके से, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी करवा दिया है, एब इनिशियो मेथड से भी करवा दिया। तो बेटा आज हमारा चैप्टर जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जो है कंप्लीट हुआ है। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली योर कॉइनिक सेक्शन, वी आर लेफ्ट विद योर सॉरी प्रोबेबिलिटी एंड 3D, ठीक है। तो उनको करेंगे, इसके बाद अब कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।